फ्रॉम गवर्नमेंट प्यू कॉलेज गर्ल्स उड़पी। मैं वहाँ पर सेकेंड प्यू में पढ़ रही हूँ और साइंस में पीसीएम का कोर्स लिया है मैंने। हम लोग के कॉलेज में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन और बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं पास कई दिनों से, और हम लोग उसमें बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी पढ़ाई को भी बहुत इफेक्ट हो रहा है। हम लोग अभी हिजाब के लिए हम लोगों का बहुत स्ट्रगल चल रहा है, जो कि वो कह रहे हैं कि हिजाब अलाउड नहीं है, बल्कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, मतलब एक राइट है हिजाब पहनना। ये एक कुछ रिलीजियस एक्ट का ये कुछ नहीं है, जस्ट इट्स आर कल्चर। हम लोग पास चार दिन से हम लोग हिजाब जब से पहने हैं तब से हम लोग को कॉलेज के अंदर अलाउड नहीं है, मतलब प्रिंसिपल ने सख्त मना किया है कि कॉलेज में मत लो इनको, जो भी हिजाब पहनते हैं कॉलेज के अंदर मत लो। तो हम लोग चार दिन से कॉलेज के बाहर बैठे हुए हैं और जस्ट इंतजार कर रहे हैं कि कब वो हमें अंदर ले। हमारे पेरेंट्स हर दिन आते हैं और बात करते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। ऐसे कहते हैं कि तुम्हारे असली पेरेंट्स को लेके आओ, जो लोग एडमिशन के टाइम में आए थे उनको लेके आओ, और जो लोग साइन डाल आए थे उनको लेके आओ। लेकिन हमारे वही पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स में मम्मी पापा, वो लोग जा रहे हैं कॉलेज में और जाके बात कर रहे हैं, वो बात भी नहीं करते, 3 to 4 hours वेट कराते हैं और देन इग्नोर करते हैं। ऐसा हो रहा है हमारे कॉलेज में, हम लोग को अटेंडेंस नहीं दिया जा रहा है। चार दिन से हम लोग जा रहे हैं लेकिन अटेंडेंस नहीं दिया जा रहा है, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम बोर्ड स्टूडेंट्स हैं और हमें अटेंडेंस शॉर्टेज हो रहा है। इससे पहले भी हमें बहुत कोशिश की थी, फास्ट 1 month हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसके लिए, हिजाब के लिए, हमारा राइट्स के लिए, लेकिन ये नहीं दे रहे। तब हमने जब किया कहा तो उन्होंने कहा अभी एग्जाम होने दो, हम लोग फिर पेरेंट्स को मिलाकर बिठाकर बात करेंगे और कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। उन्होंने कहा था कि बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन एग्जाम होने के बाद हम लोग ने पहनना स्टार्ट किया शॉल। और 3 दिन से जब हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो हम लोग CFI कैंपस फ्रेंड ऑफ इंडिया के पास अप्रोच किया। वो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमें बहुत सारी मदद मिली। वहाँ के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और सब लोगों ने हमारी बहुत सारी मदद की। कल हम लोगों को DC ऑफिस लेके गए, वहाँ पे DDP के पास बात की, उनको मेमोरेंडम दिया और सब बात की। वो आज सुबह को हमारे कॉलेज आए थे। वो आके जब हम लोग उनसे बात किए सुबह में, जब तक प्रिंसिपल नहीं थे हम लोग, हम लोगों ने बात की उनसे, तो हमसे अच्छे से बात किए और कहा हाँ मैं देखूंगा जो हो सकता है वो मैं देखूंगा। फिर जब उन्होंने प्रिंसिपल से बात की और जब हमसे बात की उसके बाद में, तो बदल गए, मतलब वो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। जब हम लोग कोई क्वेश्चन पूछते तो जवाब नहीं होता, जस्ट कहते हैं इट्स ओके, लाइक उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। और इससे पहले थोड़े टाइम पहले दूसरे भी डिस्क्रिमिनेशन हुए थे हम लोग को, हमारे कॉलेज में विदाउट एजुकेशन, विदाउट नॉलेज थोड़ी गर्ल्स को, सब गर्ल्स को ऐसे कहा गया कि गर्ल्स का प्रोटेस्ट है, मतलब ये प्रोटेस्ट हम लोगों ने पूछा क्या क्या है, किस लिए है। तो उन्होंने कहा एक लड़की का रेप हुआ है और उसके अगेंस्ट हमें जस्ट प्रोटेस्ट करना है, उस लड़की के फ्रीडम के, मतलब जस्टिस के लिए हमें प्रोटेस्ट करना है। तो हम लोगों ने हाँ ये लड़की का मार्टर है तो हम लोग जाएंगे कहकर हम गए। जब हम गए तो हमें वहाँ पर पता चला कि ये कोई ऐसा वैसा प्रोटेस्ट नहीं है, मतलब कोई जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि ABPV का प्रोटेस्ट था। ABPV मतलब जो RSS का होता है ना मेंबरशिप, उनका सब कम्युनिटी है, उसका प्रोटेस्ट था। और जब हम वहाँ पर जाकर उतरे तो उन्होंने हमारे हाथ में ऑरेंज कलर का झंडा पकड़ा दिया जो कि वो RSS का था। वो सारे जगह पिक सब कुछ वायरल हो गया। हमें कोई भी एजुकेशन नहीं था उस टाइम में कि वो क्या हो रहा है। हम लोगों को किसी टीचर ने नहीं कहा था, सब टीचर ने कहा कि जाओ जाओ, बस वो लोग ऐसे कहते रहे ना कि वो, उन्होंने हमें कोई भी बात नहीं की कि वो ABPV का है, उसमें नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं कहा, जस्ट उन्होंने कहा जाओ वो स्टूडेंट्स की तरफ से है। तो हम लोग गए विदाउट एजुकेशन। फिर उस दिन सारा वायरल हो गया और सब जगह हमारी बदनामी हुई कि मुस्लिम गर्ल्स ABPI के सपोर्ट में रैली कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा सब आया। तो हम लोगों को जस्ट इमेजिन हम लोगों को कैसा फील होना चाहिए उस वक्त। हमारे पेरेंट्स हम लोग को डांट रहे हैं, हम लोग को कुछ नहीं पता था। तब से हमारे कॉलेज के ऊपर से हमें भरोसा उठ गया कि उन्होंने हमें विदाउट एजुकेशन वहाँ पर ऐसा भेजा खुलेआम, और हमारा सबके सामने वर्ड्स टू स्पीक। इसके बाद में ऐसे ही एक बहुत सारे इनजस्टिसेस, पार्शियलिटीज होते रहे हमारे साथ। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। एक गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में हर एक राइट्स मिलने चाहिए जो हमारा है, जो कि हमें नहीं मिल रहा है और हमें वो चाहिए। हम लोग 4 दिन से ऐसे ही कॉलेज के बाहर आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं हम कॉलेज में, प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, तो वो जस्ट ऐसे ही इग्नोर कर रहे हैं इस मैटर को। लेकिन हमें वो राइट चाहिए, जो एक राइट है, फंडामेंटल राइट में से एक राइट है, हमें चाहिए वो राइट। हमारे साथ अब कैंपस फ्रेंड ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, वो लोग हमारे
बहुत मदद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग उनमें से जैसे कि लाइक मसूद मन्ना, हनान, नजर तसादी, निदा, जमजम, ये सब लोग हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, मैं थैंकफुल फॉर देम। अब हम लोग बस यही देखेंगे कि अब फ्यूचर में क्या होगा। अब हम लोगों को हम लोग अब कल फिर बुलाया है हमारे प्रिंसिपल ने, तो हम लोग जाएंगे और पेरेंट्स के साथ बातचीत करेंगे और देखेंगे क्या होगा। हम लोग विश करते हैं कि हमारे फेवर में कुछ डिसीजन हो। और ऐसे ही बहुत सारे हम लोग के साथ इंजस्टिस होते रहे पास्ट फ्यू डेज में, लेकिन बहुत सारे लेक्चरर्स भी हमारे साथ बहुत इंजस्टिस कर रहे हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं एक ऐसा हुआ कि इंसिडेंट की वो लोग बुलाते और कहते हैं कि तुम लोग मुस्लिम लोग जो हो अपने लैंग्वेज में मत बात करो, लाइक हमारा ओरिजिनली मदर टंग उर्दू होता है यहाँ पे, तो वो लोग बात मत करो ऐसे कहते हैं। लेकिन वो तुलुगु में और दूसरे हर एक लैंग्वेज में बात करते हैं, और वो कहते हैं कि सलाम मत बोलो, हमारा जो सलाम होता है ना वो सलाम मत बोलो, ऐसे कहते हैं। तो हम बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए इस सब का? इट्स टोटली इनजस्टिस फॉर एवरीवन इन आवर कॉलेज। और हमारे कॉलेज में एक ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं जैसे कि वो लोग पूजा पाठ करते हैं, जैसे कुछ इवेंट्स होते हैं लाइक कर्नाटक राज्योत्सव, तब भी कुछ करते हैं वो लोग, वहाँ पर वो मूर्ति कुछ रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं सब लोग। वो उसके लिए भी हम लोग को कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं था, हम लोगों ने जस्ट देखा, हाँ हम चुप रहे कि ये कुछ कस्टम्स है, कुछ है उनके, तो ऐसे करके चुप बैठे। और दीपावली के थोड़े दिन पहले में भी उन्होंने कुछ पूजा की, लाइक सब लोग चिल्ला रहे थे, गर्ल्स कुछ आग जलाया और कुछ पूजा की, वो हमारे पास प्रूफ के लिए वीडियोस भी है, सब कुछ है, लेकिन वो मान नहीं रहे कि नहीं, कह रहे हैं कि नहीं हमने नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। वो लोग जब इतना सारा करते तो जस्ट एक हिजाब के लिए परमिशन क्यों नहीं दे रहे हम लोग को? इट्स रियली अनफेयर व्हाट दे आर डूइंग टू अस। आई जस्ट होप दैट वी गेट व्हाट वी वांट, वी जस्ट वांट अ बेसिक राइट, हम लोग को हिजाब चाहिए और मैं प्रे करती हूँ कि हम लोग को राइट मिले जल्द से जल्द।